नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे वड़ा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी दिल करे तब भी बना सकते हैं। तो कम मेहनत में मज़ेदार वड़े बनाने के लिए रेसिपी वीडियो जो है पूरा देखिए। मैंने यहाँ पे एक कटोरी सेट कर ली है, घर की आप कोई भी कटोरी ग्लास कप सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट लीजिए। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, एक कटोरी मैंने यहाँ पर धुली हुई मूँग की दाल ली है और दो कटोरी मैं यहाँ पर चावल का इस्तेमाल करूँगी। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, रेगुलर घर पे इस्तेमाल करने वाले होते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा भुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट तक आपको इस तरह से चलाते हुए चावल दाल को भून के तैयार कर लेना है। वीडियो दोस्तों अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो ये दाल जो है आप देख पा रहे हैं 5 मिनट से 7 मिनट तक हमने भून ली है। अब इसे बिल्कुल ठंडी होने देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में इसे डाल के इसका एकदम पीस के फाइन पाउडर बना लेंगे। ध्यान रहे दाल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है सेकने के बाद, फिर ही उसे मिक्सी के जार में डाल के पीसना है। तो इसे हम इस तरह से पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब आप ये पाउडर जो है एक एयरटाइट डब्बे में डाल के स्टोर कर सकते हैं और जब भी दिल करे वड़े खाने का तब भी आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। दाल चावल भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ पे सारा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आधी क्वांटिटी में ही ले रही हूँ। अब हम एक आलू लेंगे जिसको अच्छे से पील कर लेंगे और अच्छे से धो के उसे कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। तो एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने यहाँ पर पूरा कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्ची को बारीक कट करके ऐड करेंगे और बहुत सारा धनिया पत्ता। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटे चम्मच के करीब जो है रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच दही, फ्रेश घर का जमा हुआ दही है दोस्तों। तो इसे हम दही डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना हम इसे से ही डो बना लेंगे। क्योंकि हमने आलू भी कद्दूकस करके डाला है और दही डाला है तो ये डो जो है बंद जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 2 से 3 स्पून पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना के जो है इस तरह से टिक्किया बना लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, जब भी दिल करे तब भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना के ले लेंगे। जब तक टिक्कियाँ बन रही थी मैंने तेल जो है गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पे सारी टिक्कियों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इन्हें अच्छे से सुनहरा कलर आने तक फ्राई करके ले लेंगे। आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इंग्रीडियंट्स जो हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि इसी टाइप के इजी और अच्छी रेसिपी आप जल्दी से देख पाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसे सुनहरा कलर आ चुका है वड़ों का। तो इन्हें हम निकाल देंगे बाहर। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हमारे क्रंची टेस्टी हेल्दी वड़े जो हैं बनके हो गए हैं तैयार। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपी लेके मिलते हैं, टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही यमी बने, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।